हाय फ्रेंड्स, आज 29 नवंबर 2016, आज के न्यूज़ से जो इंटरेस्टिंग वर्ड्स हम जो सीख सकते हैं ये हैं कि जयराम रमेश एक कांग्रेस लीडर हैं, ये आंध्र प्रदेश के अफेयर्स में स्पेशलिस्ट हैं। इनसे पूछा जा रहा था कि आंध्र प्रदेश के बाइफोकेशन के बाद कांग्रेस का वहाँ कैसा फ्यूचर रहेगा। इसी कंटेक्स्ट में ये कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश को एपी और तेलंगाना में बाइफोकेट करने के बाद तेलंगाना में तो कांग्रेस का फ्यूचर हिस्ट्री हो गया, लेकिन एपी में वो फॉसिल हो गया। तो मैं पहले बोलना चाहती हूँ कि हिस्ट्री और फॉसिल में डिफरेंस क्या है। हिस्ट्री जो ऐसा चीज़ है जो डेटेड होता है, तो तेलंगाना में तो बोलते हैं कि ख़त्म ही हो गया कांग्रेस, लेकिन फॉसिल एक ऐसी चीज़ है प्री हिस्टोरिक है जिसका कोई डेट्स नहीं होते हैं, जैसे कि डायनासोर्स। तो इनका कहना था कि फनीली कह रहे थे कि आंध्र प्रदेश में तो कभी भी कांग्रेस वापस नहीं आएगी, और ये भी कह रहे थे कि अगर आंध्र प्रदेश में वापस आने के लिए तो आंध्र प्रदेश में वापस आना कांग्रेस के लिए सिसिफियन टास्क है। तो देखते हैं कि सिसिफियन टास्क क्या होता है। तो सिसिफियन टास्क, एक सिसिफस करके एक ग्रीक किंग थे, तो इनको पनिशमेंट मिला गया कि एक हिल टॉप के ऊपर बड़ा सा बोल्डर को ऊपर ले जाने का। तो ये राउंड है इसलिए, तो कितने बार भी ले जाए ऊपर वो वापस आ जाता था, तो कंटिन्यूसली करते रहते थे। इसका मतलब ये अपहिल टास्क है। सिसिफियन टास्क का मतलब अपहिल टास्क एंड विच इज इम्पॉसिबल। तो इंटरेस्टिंग वर्ड है, तो आ सकता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल में एक वर्ड देखा है कि एमिलियोरेटिव मेजर्स। तो ये डिमोनिटाइजेशन का जो ड्राइव चल रहा है उसी के रिलेटेड है। उसमें कहा जा रहा था कि प्यूनिटिव एक्शन बहुत हो गया। प्यूनिटिव एक्शन मतलब ब्लैक मनी के या कोई भी गलत काम के लिए होने के बाद पनिशमेंट देना, प्यूनिटिव मतलब पनिशमेंट एक्शन ले लिया डिमोनिटाइजेशन करके, अब एमिलियोरेटिव मेजर्स ले लीजिए। इसका मतलब है इम्प्रूव करने के लिए कोई मेजर्स ले लें। तो एमिलियोरेटिव या एक और वर्ड है, इंटरेस्टिंग वर्ड, इम्प्रूविंग है इसका मीनिंग। तो दीपा मलिक लेडी जो शॉटपुट में रियो के पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट हैं। पैरा ओलंपिक्स जो वो होता है जो हैंडीकैप के लिए होता है, सिल्वर मेडलिस्ट थे दीपा मलिक। इन्होंने कहा कि डिमोनेटाइजेशन के बाद जब ये मैडम बैंक्स में जाती थी तो वहाँ के क्यूज से इनको बचाया गया है। तो क्यूज को बोल रही थी सरपेंटाइन क्यूज। तो इंटरेस्टिंग वर्ड है सरपेंटाइन क्यूज, सांप जैसा लंबे लंबे क्यूज। ऐसे ही सरपेंट मतलब सांप है, सरपेंटाइन क्यू सांप जैसा क्यू। इसको देख के एक और वर्ड याद आ गया, एलिफेंटाइन टास्क, जो बहुत मुश्किल टास्क होता है हाथी जैसा वो है। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।